ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज, दिस इज शाहबाज, होप गाइज ऑल आर डूइंग वेल। तो गाइज, आज मतलब सैटरडे था और कॉलेज की भी छुट्टी थी, तो मैं आज यहाँ आ गया हूँ फिशिंग करने के लिए मीरिया पे, और साथ में मेरे भाई भी है और पापा भी साथ में और अंकल है, तो अभी वहाँ जाएंगे। तो सबसे पहले चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। You were fine all this time, I was inside out. तो अभी हम ऊपर थे और हमारे को वहाँ पीछे पीछे जाना है, वहाँ देख सकते हो आप, वो साइड जाना है, तो यहाँ से अभी चल के वहाँ जाएंगे। ओ तो चलो चलते हैं। यहाँ पर अभी पूरा मतलब जंगल है, जंगल से यहाँ रास्ता है, यहाँ से अभी जाएंगे आगे और आगे चलते रहेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे ये समुद्र का किनारा है। वीडियो में बने रहना और आगे वीडियो में आपको बहुत कुछ देखने मिलेगा। तो अभी यहाँ से हमको नीचे उतरने का है, आप देख सकते हो मतलब बहुत डेंजरस ये स्पॉट, और रस्सी से पकड़ के उसके सपोर्ट से नीचे जाने का है। क्या करते हैं, रस्सी पकड़ते हैं पहले और फिर एक हाथ से रस्सी पकड़ेंगे और धीरे धीरे नीचे उतरने की कोशिश करेंगे। तो मैं तो इसलिए आ गया नीचे। अभी यहाँ से पानी में से जाएंगे वो साइड। तो अभी यहाँ नीचे पहुँच चुके हैं और यहाँ पूरा मतलब पानी है, नीचे पैर तो भी पानी है, पानी के अंदर है। अभी यहाँ से पानी के अंदर से चल के आगे तक जाना है वो साइड, मतलब वहाँ मतलब एकदम सेफ प्लेस है फिशिंग के लिए, तो वहाँ पर जाएंगे आगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो मतलब बहुत बड़ा केव है, अच्छा है, मतलब बारिश वगैरह आई तो यहाँ रुकने के लिए। तो अभी यहाँ आगे चलते हैं यहाँ से आगे। तो अभी हम वहाँ थे उस पहाड़ के, यहाँ वहाँ से चल के यहाँ तक आए। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो साफ है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा पूरा प्रोसीजर। अभी यहाँ से नहीं, आगे से ट्राई करेंगे, अभी यहाँ से आगे जाएंगे। तो आगे चलते हैं और वीडियो में बने रहना क्योंकि वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। और ये छोटी करप्पा जो अब्बा ने गराए, आप देख सकते हो काटे इसके सर पे। जिंदा है अभी भी। तो अभी और भी देखने मिलेंगे बहुत सारे मच्छी। अभी यहाँ हम और आगे आ चुके हैं, आप देख सकते हो यहाँ से मतलब थोड़ा अच्छा है गराने के लिए, और पीछे आप मेरे देख सकते हो पहाड़ मतलब बहुत अच्छा दिख रहा है सीन, क्योंकि अभी बारिश भी है, बारिश का सीज़न है और मतलब पूरा हरा भरा हो गया है। अभी मतलब ज़्यादा बारिश हो नहीं रही है, लेकिन बीच में हुई थी जोर की बारिश, आप देख सकते हो पीछे। तो मैं अभी पूरा लुक दिखाता हूँ आपको पीछे का। अभी यहाँ ये देखो, ये मेरे गल में फंसी थी रेचन और ये भाई ने मारा है कारप्पा, और एक ये तो कुछ काम की नहीं है।
अब ये देखो पूरी साव टूट गई थी, अभी फिर से नहीं बनाता हूँ और वापस स्टार्ट ट्राई करता हूँ, कुछ दूसरा मिलेगा। अभी अब्बा को और एक मच्छी लगी है, आप देख सकते हो यहाँ कौन सा है, कोबरा। आप देख सकते हो यहाँ वीडियो में। तो अभी यहाँ देख सकते हो ये चारा है जो कि गल में अटकाया जाता है, ये माकुल है। तो यहाँ भी कुछ माकुल लाए और उसको काट के गल में अटकाएंगे और फिर पानी में फेंकेंगे। तो अभी यहाँ भाई ने फेंका हुआ है, तो आप देख सकते हो। तो अभी यहाँ घर पे आ चुके हैं हम लोग, और मतलब वहाँ अंधेरा हो गया तो इसलिए मैं वहाँ शूट नहीं किया। और मतलब बहुत सारे मच्छी मिले, एक बड़ी भी मिली, मतलब अप्रोक्स 1 किलो 200 ग्राम तक होगी, 200-300 ग्राम तक, बस इतना ही मिला। मैं अभी आपको आगे वीडियो में भी दिखाऊंगा कौन कौन से मच्छी मिले। तो इतने सब मच्छी पकड़े गए हैं, ये बड़ी वाली अब्बा ने ही पकड़े और बाकी सब भाई ने। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट में जरूर बताना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन दबाना ना भूले, क्योंकि मेरे नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे सेफ।